I don't believe I've ever said this. I don't say it for myself. When you said it, I felt like you're saying it for the first time. Like, I could see that. I feel I'm saying it for the first time, like, saying yeah, it. Yeah, that's what I felt. Not just to people, to myself. Yeah, like, yeah. You know, being verbal about it. Oh. What is this box? What is this couple you? What is this box doing? Yaar, ye storytellers hai na, mero pasand nahi hai. Sare jazbaat aise aise khinche nikal lete hain. Haan, yaar, ye thoda to issue hai. कॉलेज के बाद पहला जॉब इंटरव्यू था, लक से नहीं, खुद के मेरिट पे। मैं और मेरे सपने दोनों तैयार थे और साथ में दही चीनी की कटोरी भी, क्योंकि माँ के लिए डिग्री से पहले दही आता है। और उस दिन मेट्रो ने कैब ली थी, क्योंकि राजीव चौक के दंगल में अपने आउटफिट की क्रीज थोड़ी ना खराब करनी थी। वो जमाना तब डिजिटल नहीं हुआ था, जियो सब पे नहीं था, तो रेज्यूमे की हार्ड कॉपी निकालने मैं ऑफिस के पास वाली शॉप पे गई, जो इस जमाने में 2 रुपए का निकलता है, उसके लिए मैंने 20 रुपए दिए थे। फाइनली मैं ऑफिस की बिल्डिंग पे पहुंची। मेरे और मेरी मंजिल के बीच में बस 15 फ्लोर की लिफ्ट थी। एक तरफ लिफ्ट ऊपर जा रही थी, दूसरी तरफ मेरी नर्वसनेस। ऑफिस का फ्लोर आया, मैंने लंबी गहरी सांस ली और एंट्री करी। सोचा फटाफट रिज्यूमे पे नजर डाल लेती हूँ। तब रियलाइज हुआ मेरे साथ दंगल नहीं, गजनी हुआ है। रिज्यूमे था ही नहीं, मैं उसे फोटोकॉपी की दुकान पे भूल आई। मैं मुड़के कोई लिफ्ट रोको की आवाज लगाने ही वाली थी कि रिसेप्शनिस्ट ने थैंक यू नेक्स्ट की आवाज लगा दी, और नेक्स्ट मैं थी। बिना कॉन्फिडेंस और रिज्यूमे के मैं अंदर घुसी, और घुसते ही बॉस ने बोला, योर रिज्यूमे इज इम्प्रेसिव। मैं टाइड के एड से भी ज्यादा चौंक गई। देखा तो फोटोकॉपी वाले भैया बॉस के पीछे खड़े थे और एक प्यारी सी गलती भी कर बैठे थे। वो बॉस के कागजों के साथ मेरे रिज्यूमे की कॉपी भी ले आए थे। अब इसे मैं क्या कहूँ, मेरे लिए तो ये एक जादू ही था, और वो भैया एक जादूगर। Always magic in the world if you simply know where to look for it. वो पुरानी जीन्स में 100 का नोट निकलना, क्लाइंट का पहले ड्राफ्ट में ही अप्रूवल दे देना, दोनों आंखों का लाइनर परफेक्टली मैच हो जाना, गोवा ट्रिप की परमिशन मिल जाना, अरे क्रश का आपकी स्टोरी पे रिप्लाई करना। मैजिक इज ऑल अराउंड यू। वेलकम टू माई शो किस्से विद कोपल, जहां हम सुनते हैं किस्से ख्वाबों के, जज्बातों के, ठहाकों के और बहुत सारी यादों के। और आज ऐसे ही कुछ अनोखे किस्से हमारे साथ बांटने आ रही हैं एक मेंटलिस्ट, मैजिशियन एंड अ वेरी 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 स्पेशल फ्रेंड, इंडिया की जादू परी सुहानी शाह। Thank you so much. Welcome. Dude, this is so exciting. Welcome, dude. I'm so excited. This is going to be a lot of fun. तू बता, हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? नहीं। I asked Suhani. मैं बोला, मैं Suhani chat show start कर रही हूँ, आएगी? हाँ? Concept बताऊँ? आ जाऊँगी. तो अभी Suhani को मैं concept बताने जा रही हूँ. भरोसा देख रहा दोस्त के ऊपर. इसे कहते हैं दोस्त पे भरोसा. कि उसने बोला है podcast करके. I'm like yes. क्यों, कब, कहाँ, कैसे? I do not know. That much. That is how much I trust you, Kopal. अब मेरे पे ओके, सो ये है किस्सों का पिटारा। ओह, इसके अंदर बहुत सारे मेरा भी जादू है। ओह, समथिंग्स गोना पॉप आउट और इतना नहीं, इतना टैलेंट जो तेरे पास है। नहीं नहीं, इतना नहीं। मैक्स सेकंड राइट इज अ गुड पंच लाइन, बट ओह वाओ, इसमें है बहुत सारे objects. Lost and found box. Looks lost like that. Lost and found box of life. Oof, oof. So there are a lot of objects in this. Har object tumhe kisi na kisi cheez ki, kisi na kisi kisse ki, kahani ki, insaan ki, time ki yaad dilayega. Open to interpretation hai. Waqt. Oof. Oof. Beh raha hai ret ki tarah. Oof. Right. Jadoo.
Oh, that's a magic wand. That's the time. Thank you guys for joining the first and episode. Okay, so अभी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? हमने स्पेशली क्यूरेट करे हैं, हाँ, तेरे लिए, एंड तुम्हें फुल फ्रीडम है. What do I have to do? I have to create stories out of them. You have to tell किस्से, anecdotes from your life. Oh. इन ऑब्जेक्ट्स को किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उठा के जो भी तुम्हें याद है, whatever comes to your mind, I want to hear your stories. Wow, there's so many things, yeah. First of all, kudos on this, man, on curating such a cute box. I think everybody has a story with this. Aaj sunayegi mohabbat ka kissa. I don't know that. See, but that's the first object you picked. Everybody has a story around that. She just left. Just like how he did. But... ये जो कॉमेडी, I'm sure this is not what you planned for your podcast. कॉमेडी इवनिंग विद कोपल बनता जा रहा है. Okay, no, we do this nicely. Come on. Yeah, let's do this nicely. Yeah. So मैं ये कह रही थी कि यार किससे विससे तो चलते रहेंगे. बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बिना किससे अधूरे हैं. अच्छा, क्या? ओ मैडम, किससे विससे होते रहेंगे. पहले ये फटाफट चाय पियो यार, एक कटिंग बना के लाए. अरे हमारे बंटी भैया आ गए हैं. अरे यार, ये भैया प्रैक्टिस छूट गई चाय सब करने की. चाय पियो यार, पहले कटिंग लगा, उसके बाद किससे उसे सुनाना. और मैडम शुक्रिया. लो ये खाली ग्लास. हाँ, आप जल्दी खाओगे मेरे को. आप जादूगर हो ना. हाँ. बना लो चाय. वाह, आई गॉट द टी. आई गॉट द टी, यू गॉट द ट्रिक. ओके, करें. चाय हो गई है और क्यूज यहाँ पर मेरे पास है. उठाओगे सबसे पहले कौन सा किस्सा? बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसके अंदर. This is Dice. The Dice, जिन लोगों ने मेरा शो देखा उनको पता है, the Dice has been my first best friend. I like the globe also as I picked it up. मेरे पास किस्सा नहीं है यार इसका, लेकिन it reminds me of some very interesting thoughts. Tell me. So, most of the people know this, कि जब मैं इसे शुरू करा था magic, तो बहुत traditional, conventional तरीके से किया था. वो जो सर्कस के आर्टिस्ट होते हैं, थिएटर प्लेस होते हैं, यू नो, हमारा ऐसे पूरा बोरिया बिस्तर लेकर हम पूरे साल ट्रैवल करते हैं हिप्पियों की तरह. यू नो, वेरी वेरी हिप्पी फॉर्मेट. मतलब हम एक शहर जाएंगे, एक ऑडिटोरियम में बुक करेंगे, वहाँ पे हमारा सेट लगाएंगे और पूरा महीना हम वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं. एवरी डे वेक अप, हैव लंच, गेट रेडी, परफॉर्म, हैव डिनर, स्लीप, वेक अप, रिपीट. एंड यू नो, वीकेंड्स पे हम दो शो कर रहे हैं, एक दिन में तीन शोज कर रहे हैं. तो फिर वो शहर ख़त्म हो गया एक महीने बाद, फिर हम दूसरे शहर जाएंगे, फिर दूसरे शहर जाएंगे. वैसे मेरे साथ 30 लोग होते थे. फिर वो किचन में महाराज खाना बनाने वाला, बैक स्टेज असिस्टेंट्स, कर्टन पुल करने वाले, लाइट टेक्नीशियन, सेटअप बॉयज, लीड असिस्टेंट, सब लोग एक साथ रहते थे. एंड अलग ही दुनिया थी. लाइक आई कुड हैव नेवर इमेजिनड डूइंग व्हाट आई एम डूइंग टुडे. मुझे हमेशा था कि वही जिंदगी है, वही मेरी छोटी सी दुनिया है, वही 30 लोग, वही शो, हर शहर जाओ. एंड इट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग. बट आई डिड रिमेंबर वन थिंग एज आई केप्ट ग्रोइंग अप, क्योंकि उसमें अपने अपने डेज थे. देयर यूज्ड टू बी हाई डेज एंड यूज्ड टू बी लोज. कुछ कुछ लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ मेरे जीवन में, मैं स्कूल नहीं जा रही, मेरे कोई दोस्त नहीं है, दीज आर दी ओनली पीपल आई नो इन माई लाइफ. जो सीखा इन्हीं से सीखा, जो इनको आता है वही मुझे आता है. And ऐसे मम्मी पापा से बातें करती थी. You know, all those bits have happened. I've seen the highs and I've seen the lows in childhood only. Like, I would do like this mad ass show. Like, you know, say, कोई तालियां बज रही है, ऑडिटोरियम भरा हुआ है. And then you come to your room and then you're like, कुछ नहीं है. ना दोस्त, ना किताबें, ना खिलौने. It's just a bed that I have to sleep, get up and go for the show again tomorrow. तो जो duality बचपन से जी, I think I still live it. Like, I think वो upbringing में इतना strong हो गया कि वो I live this life where I am this strong, confident person on stage. You pretty much know this. Yeah. Of how I'm this, I don't know if shy is the word, but I'm a little introvert. I don't want to meet people. I don't think I'm good enough. You know, the other side of me, ये content release नहीं हो रहा. So I have that duality in me which is extreme confident and main hi duniya jeete ki kaun hai, you know, aisa. And then the moment I'm off stage, it's always like
आई डोंट नो कि क्या होने वाला है. बट दिस ग्लोब रिमाइंड्स मी एक सेंटेंस जो मैं पहले बोलती थी मेरे मॉम डैड को और मेरी एक लीड असिस्टेंट थी मालती करके, हुज ऑल्सो बिकेम लाइक माई बेस्ट फ्रेंड देन, के यार अभी तो हम ऐसे गाँव से गाँव जाके शो कर रहे हैं, फिर हम ऐसे शहर से शहर जाके शो करेंगे, एंड एक दिन आएगा जब मैं ऐसे कंट्री टू कंट्री फ्लाई करके शो करूँगी. एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम बट आई थिंक दिस ईयर आई डिड दैट. यू मेड इट. आई मेड इट एंड आई वॉज रियलाइजिंग इट वेन आई वॉज डूइंग इट, यू नो. आई वॉज लाइक आई रिमेंबर इट वॉज 12 डेज 5 कंट्रीज 10 शोज एंड आई वॉज लाइक इन लाइक एक दिन बेल्जियम में हूँ, एक दिन मैं नेदरलैंड्स में हूँ, एक दिन मैं इंग्लैंड में हूँ, एक दिन मैं आयरलैंड में हूँ, एंड आई वॉज परफॉर्मिंग एंड इट फेल्ट लाइक यार वो छोटे एक होता ना एज वी ग्रो अप हमको वो हमारा जो छोटा बच्चा था हमको उसके सारे सपने पूरे करने लाइक यू नो एज वी ग्रो आई डोंट इफ इट्स आई थिंक इट्स विद एवरीवन या वेयर द फर्स्ट थिंग्स वी वांट टू डू इज फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ द लिटिल अस एंड मेरे को लग रहा था मैं सारे पूरे कर रही हूँ ठीक है. एंड ये भी एक ऐसी चीज थी तो बाकी थी एंड आई फेल्ट लाइक दिस इज ऑल्सो डन एंड व्हेन आई वाज डूइंग इट आई वाज लाइक आई एम गोना बी यार सो या दिस रिमाइंड्स मी ऑफ दैट ड्रीम बीइंग fulfilled yes ke yaar wow I'm in love with my art form and I think that's the only thing constant in my life. har 3-4 saal mein mere friends badal jate hai, meri city badal jati hai, mereko kya karna hai in terms of jis tarike se karna hai wo badal jata hai, lekin magic is the one thing that's been with me from the age of 7. like wo ek cheez hai jo nahi badli. there was a point where I was like I don't think magic is going to take me anywhere. But then I was like, मुझे और कुछ नहीं आता and I love doing this. I need to stop being selfish about what is the art gonna give me. Because if I love doing this, then I need to listen to my heart and just be happy about it. And well, I'm very happy that I never gave up on the art form and I'm very happy the art form never gave up on me. You know, it was like, it always kept giving me more and more. Because whatever I've learned today, अगर मुझे बोलना भी आता है, अगर मुझे अच्छी तरह से अपने आपको प्रेजेंट करना भी आता है, अगर मुझे स्टेज कॉन्फिडेंस भी है, अगर मैं यहाँ बैठ के आपसे भी अच्छी तरह से बात करने वाली हूँ, आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द आर्ट ऑफ मैजिक. इट हैज टॉट मी ऑल ऑफ दीस थिंग्स. दैट्स बीन योर स्कूल. दैट्स बीन माय स्कूल. स्टेज हैज बीन माय स्कूल. मैजिक हैज बीन लाइक माय टीचर. इट्स बीन लाइक बट आई जेन्युइनली थिंक लाइक आई डोंट थिंक आई हैव सेड दिस टू एवर बट ये जो तुमने दुनिया उठाई है ना, आई थिंक तुमने अपनी खुद की एक जादुई दुनिया बनाई है. बिकॉज देयर इज लिटरली दिस वर्ल्ड अराउंड यू नो व्हिच इज जस्ट सो. एक होता है ना, मैं मैजिक की बात करती हूँ अलग कॉन्टेक्स्ट से, लाइक यू आर एक्चुअली लिविंग दैट मैजिक एंड दैट इज सो सरियल राइट. इट्स लाइक सच अ गूज़बम्पी लाइफ, लाइक यू नो यू आर लीविंग बिहाइंड सच अ क्रेजी लेगेसी बिकॉज डूड व्हाट यू गेट टू डू इज जस्ट सो स्पेशल. सो स्पेशल. आई एम सो ग्लैड यू से दैट. इट मेक्स मी फील रियली गुड. मेरा कोई मकसद लेगेसी छोड़ने का नहीं है. मेरा मकसद तो सिर्फ है कि यू नो एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग एंड magic made me and now I want to stick with it and make magic reach more houses. I love how when you walked in you were like aaj mujhe emotional nahi hona and the first yeah you know, I'm literally controlling myself. Yeah, I can see the tears coming out. No, you're not gonna do this. Well, ye bhi magic hi hai ek tarah ka. Yeah, this compel yaar. Irritating. Ye dice jo shuruaat mein nikala tha, this was clearly the first object that yes you know it's like so it was very simple theek hai. It was like ke raston pe log pehchante the par sach mein aise pehchanne wala mere paas koi aisa ek one friend nahi tha ya group of friends jinke saath main masti kar rahi hu and after all the drama as I said ke mujhe koi pyar nahi karta dost nahi hai na of course I was just one person like hum to duniya jeetne ke liye paida hue hain bhai ye sab kya hai theek hai so it became like my best friend. I used to get like I used to keep like if in show ka interval hua hai main aise dice roll karke khel rahi hu and like it you know how you like your hand needs something like that so I used to always have a dice with me and that became like my comfort. I realized with a dice I don't need another person to play with. Theek hai, I can roll the dice and I'm a magician. I would try to figure out the number it landed on. So main se breakfast kar rahi hu and I would like roll the dice like 3 and I would look at it and sometimes it used to be 2 and then I used to keep playing with it to and I think I was at a point that I want to get it right every single time. Tukke se nahi, I want to get it right and I played with it so much and at one point I was like I think I know the drill, I know how to do this. I think I got so good with it. I'm like koi aur bhi dice roll karega and I'll be like 5. Wow.
Nobody used to play Ludo after that. Nobody used to play Ludo, Snakes. Our jo group mein bhi khelte the, nobody likes ke sath nahi khel. Sun, tere dost bante bhi to kaise survive karte hain? Aise nahi hai na, main nahi karti magic. I don't know. Don't make me feel ke you don't have friends not because of your lifestyle but because of you. Don't do that to me. अभी तक तो मैं खुश हो रही हूँ कि नहीं, मतलब मेरी जिंदगी ऐसी थी इसलिए दोस्त नहीं है. कोपल इज लाइक नहीं, तू तू प्रॉब्लम मैं दोस्त हूँ तेरे. तुम भी दिखाएंगे ट्रिक प्लीज. ओके, आई एम नॉट लुकिंग एट द डाइस, आई एम लुकिंग एट यू. नाउ कोपल, इज दिस अ फोर? Yeah, it is. Are you sad about it? I'm surprised. That's what surprise is. It's like, yeah. I'm like, shit, yaar. Yeah, why are you sad? Look, that's why are you sad about it coming right? See, well, you always get it right. It'll be fun if you got it wrong. It was so much fun. I think. I love the idea. I love the concept because. यूजली क्या होता है जब हम बातें करते हैं और हम किस्से सुनाते हैं, यूजली हमारे दिमाग में जो फ्रेश किस्से ना वही याद आते हैं. बट द मोमेंट यू वी सी समथिंग लाइक दिस, इट ट्रिगर्स सो मेनी मोर मेमोरीज और थॉट्स दैट वी वुडन्ट हैव थॉट अबाउट. यू नो, छोटी छोटी बातें भी हो सकती है, डजंट हैव टू बी लाइक अ बिग स्टोरी अराउंड इट. दैट्स द पॉइंट, यू नो, वी लाइक टेपे टेल ऑलवेज जस्ट कहानियां, राइट? देयर इज अ बिगिनिंग, देयर इज अ मिडिल, देयर इज एन एंड, व्हिच इज व्हाई वी वांटेड टू डू किस्से, बिकॉज़ किस्सों में वो प्रेशर नहीं होता है. एक मिडिल का, एक एंड का. It is just the anecdote, you know, that you're sharing with a friend, जो तुम एक literally ऐसे बैठ के बात करके लोगों से share कर सकते हो. और किस्से सबके पास होते हैं. कभी कभी उनको कहानी बनने में वक्त लगता है, पर किस्से होते हैं सबके पास. सब unscripted है. Sunny, one last किस्सा, and then we move to the next segment. It was so much. कोई भी चीज. Favorite, favorite. Welcome, Suhani Shah. Good evening, ladies and gentlemen. But I remember as a kid, because हम लोग एक-एक महीने तक एक जगह पे शो करते थे, तो उसकी marketing बहुत करनी पड़ती थी shows चलाने के लिए. So we used to do a lot of publicity in the city, like we used to do road shows. I would blindfold driving on the streets, and we used to visit schools and colleges in the assembly time, and I would give like a little talk, and we used to do a Q&A and announce that I have a show in the evening if you're interested. And even when I'm doing like, let's say, a press conference for the show PR and other things, sometimes as a kid I used to be asked questions jo bahut intense hote the. Like, you know, as a magician, people would ask you like, kya aapko ye pata hai, आपको अगर इधर ये चीज़ हुई है कि आप जादू से बता सकते हो, थिंग्स लाइक दैट. एंड सम क्वेश्चंस यूज्ड टू बी अबाउट साइकोलॉजी एंड थिंग्स लाइक दैट, एंड मुझे कोई जवाब नहीं पता उसके. बट द मोमेंट आई वाज ऑन द माइक, नो, समबडी वुड क्वेश्चन, आई वुड जस्ट गेट द आंसर कहीं से, तो यू नो, एंड देयर शुड बी सम अमेजिंग आंसर्स एट सम पॉइंट. बट माई डैड यूज टू, एंड माई डैड वुड नेवर, ही वुड ऑलवेज बी विद मी, बट ही वुड नेवर बी ऑन द स्टेज, नेवर फ्रंट रो. ही वाज दिस वन गाय हु विल ऑलवेज बी लाइक कहीं दूर एकदम लास्ट में बैठे होंगे, जस्ट टू मेक श्योर थिंग्स आर फाइन. ही वुड नेवर टेक द सेंटर स्टेज एंड ऑल ऑफ दैट. तो देयर वाज वन टाइम वेयर दैट एंड आई वाज जस्ट जनरली टॉकिंग अबाउट थिंग्स, एंड आई वाज लाइक, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे जवाब. एंड देयर वाज वंस आई आंसर्ड समथिंग व्हिच वाज आउट ऑफ द ब्लू, पता नहीं कहाँ से आया, एंड आई वाज लाइक, ये तो मुझे जवाब था ही नहीं मेरे दिमाग में, पता नहीं कैसे आ गया. एंड ही टोल्ड मी कि यार, मैं भी पीछे बैठ के यही सोच रहा था जो तूने जवाब दिया. And at that one point, we thought that, is it like he's thinking of the answers and I'm just saying those answers? Is it like a telepathic thing going on between me and my dad? Because I think we connected at that level where या तो हम इतना साथ में time बिताया है, mom, dad और मैंने, because हम लोग इतना साथ में रहे कि automatically thought process वैसा बन गया. या तो it has been के किसी ने सवाल पूछा, उन्होंने शायद वहाँ पर जवाब सोचा है, and somehow I have got that answer, क्योंकि वो सोच रहे कि काश ये ऐसा जवाब दे, and मैंने वैसा जवाब दिया. So, you know, I don't know. I felt like I was the medium conveying my father's thoughts sometimes. Wow. But that telepathic connection happened with my dad. And yeah, I think I had great faith in my parents with the decisions they made. I never thought what is right and wrong. Yeah. Papa ne bola kar lo. Mummy ne bola kar lo. And I think my parents had great faith in me. Yeah. Obviously, and I think because of that, things just worked out. So the mic reminded me of that, of how I used to be like, we kya puch rahe, and then suddenly I have an answer.
So you were doing mentalism even before you learned it. Actually, my father was doing it. Wow, but that's a beautiful story. That's a beautiful story, I think, to wrap up this segment. And अब ना मैं एक ऐसा किस्सा सुनाने वाली हूँ, अच्छा मैं नहीं सुनाऊंगी, जिनके साथ हुआ है वही लोग सुनाएंगे. I can't wait for the next segment to start. Are you ready for it? I am ready for it. Yay! All right. Very excited. सुहानी, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कुछ बहुत खास लोगों को एक बहुत खास कहानी के साथ तुम्हारे सामने लाने वाली हूँ, और मैं इतनी खुश हूँ कि आप दोनों आज यहाँ हो, भोला भैया और रितिका. आप लोग की कहानी मैंने तो सुनी हुई है, कहानी हमारी सुहानी ने नहीं सुनी हुई है. तो आज मैं चाह रही हूँ कि आप अपनी जो बहुत ही सुंदर कहानी है सुहानी के साथ भी शेयर करो. मेरे को इतना हाइप किया हुआ है कि सुहानी मुझे मिलाना है तुझे इन दोनों लोगों से, और मुझे बतानी है ये स्टोरी. और मैंने बोला मुझे बिल्कुल ही मत बताना कि क्या है, बिकॉज मुझे था कि मुझे आप लोगों से ही सुननी है. एंड वेरी एक्साइटेड टू नो कि क्या है ये किस्सा, क्या है ये कहानी. ओके, सो कोई भी जब मुंबई में पहली बार आता है उसे पता है कि बहुत ही स्ट्रेंज सी सिटी है. मतलब वन मोमेंट यू विल फील लाइक देयर इज नोबडी हु एक्चुअली केयर्स, बट समबडी विल ऑलवेज बी देयर व्हेन यू एक्चुअली नीड इट. दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सिटी. सो एक्चुअली हमारी मुलाकात हुई थी जब मैं गोरेगांव में थी, कॉलेज का आफ्टर कॉलेज फ्रेंड्स और हम लोग सब थे. तो मुंबई एक चीज़ बहुत जल्दी सिखा देता है, हाउ टू टेक रिजेक्शन. 30 मिनट से खड़े थे, कोई ऑटो वाला लेके नहीं जा रहा था. देन अंकल केम एंड ही स्टॉप द ऑटो एंड ही आस्क कि कहाँ जाना है. हमने कहा अंकल स्टेशन जाना है. 2 मिनट सोचे और फिर बोले बैठ जाओ. ठीक है, हम गए और शायद अंकल ने 2 मिनट हमारी बातें सुनी एंड ही रियलाइज कि हम कॉलेज स्टूडेंट्स हैं. तो ही सेड एक बात बोलूँ बेटा. हमने कहा हाँ. तो बोले कि बेटा तुम जहाँ खड़े थे ना वहाँ से 10 कदम आगे बस जाती है, तो वहाँ से तुम 6 रुपये में वहाँ पहुँच सकते थे, लेकिन तुम्हें ऑटो वाले इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत घूम के जाना था. एंड आई वॉज लाइक ये इनका रोजी रोटी है, वाई इज ही टेलिंग अस दिस कि बस से जा सकते थे. तो फिर हमने पूछा अंकल से कि अंकल फिर आपने क्यों उल्टा घुमाया हमारे लिए, क्यों लिया. तो मुझे याद है अंकल ने क्या बोला. हमने यही कहा कि बेटा हमको ना बोलने की आदत नहीं है, जब हम आप रुक गए यहाँ तो हम आपको लेके जाएंगे, चाहे हमको तकलीफ उठाना पड़े आराम मिले, उससे हमको मतलब नहीं है. फिर वहीं ये हमारी इनकी बात होने लगी कि आप यहाँ कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, कौन कौन है. तो हमने बताया कि माँ बाप तो बचपन में निकल गए, दादा दादी भी निकल गए, फिर हमारे पास वाइफ मेरी और हम थे. तो बेटी देखते देखते तुम आज मिल गई, बेटी नहीं आई. तो बच्चा बंद किया, उसको कैंसर हो गया, 14 लाख रुपया उसमें डाल दिया लेकिन उसको नहीं बचा पाया. तो कम से कम आज के डेट में तुम्हारी सिर्फ बेटी मिल गई. बस वहीं से हम लोग का मिलना जुलना बात करना हमें अच्छा लगता है कि भगवान ने हमें कम से कम वाइफ के जाने के बाद तो एक बेटी दे दिया. मैं इस बात का बहुत गर्व है. अंकल के ना ऑटो के पीछे आंटी का नाम लिखा हुआ है, सीमा शुक्ला. तो सब लोग सबका नाम लिखते हैं, और हमारा जीवन साथी जो था हम उसका ही नाम लिखेंगे. रितिका, वो मोमेंट कब आया कि जब तुम्हें लगा कि हम लोग बहुत लोग हैं ऑटो में बैठते हैं, होता है, कब लगा कि जो भोला भैया बोल रहे हैं कि बाप बेटी का रिश्ता, वो कब बना. एक्चुअली पहली बार जब हम मिले तब मैंने इनका नंबर लिया, क्योंकि स्टोरीज ऑफ स्लम जो है मैं वहाँ कहानियाँ लिखती हूँ लोगों की जो स्लम में रहते हैं. तो क्योंकि वो एक शेर है ना कि मैं कहानी तो नहीं कि सदा रह जाऊँ, मैंने तो किरदार निभाना है और चले जाना है. तो उसमें एक रहता है कि हाँ स्टोरीज ही है जो हमेशा रहती है. तो इसी चक्कर में अंकल से वापस मिली थी. और तीसरी बार ये हुआ था कि मैं गोरेगांव में थी काम के सिलसिले में, और पता नहीं बस वही मुंबई की स्ट्रेंज वाइब्स, अचानक ऐसे घर की याद आना, और दिन भी कुछ खास नहीं निकल रहा था. तो ऐसा था कि किसी से मिलना है, बात करनी है. और कई बार होता है कि
ठीक है आप अपने दोस्त को कॉल कर सकते हो, आप अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकते हो, लेकिन कई बार होता है कि नहीं, आपको कोई चाहिए उसी मोमेंट पे जो आपके सामने बैठ सके, आपसे दो पल बात कर सके, चाहे वो कुछ भी हो लेकिन चाहिए उसी वक्त। और पता नहीं क्यों उस टाइम बस ऐसे ही दिमाग में आया कि अंकल भी तो गोरेगांव में है। ये जब मैंने इनकी स्टोरी कवर करी थी उसके 4-5 महीने बाद की बात है, तो मैंने अंकल को कॉल लगाया, मैंने कहा अंकल मैं गोरेगांव में हूँ, क्या कर रहे हो? तो अंकल बोले कौन? फिर बोला अच्छा रितिका बेटी बोल रही है। तो मैंने कहा हाँ गोरेगांव में थी, आप मिल सकते हो क्या? तो बोले मैं अभी बस सवारी छोड़ के आता हूँ। इन्होंने कुछ नहीं पूछा क्या क्यों अभी इस वक्त, कुछ नहीं, सवारी छोड़ी 10 मिनट में आ गए। हमने बस बैठ के बातें करी, इन्होंने मेरे काम के बारे में पूछा कैसा चल रहा है क्या चल रहा है, अंकल ने अपने बारे में बताया, और उस आधे घंटे में लगा सब ठीक ही तो है, क्यों इतना ज़्यादा मैं वो हो रही थी कि कुछ अजीब सा हो रहा है, सब बढ़िया है। फिर निकलते वक्त मैंने अंकल को कहा कि अंकल सॉरी आपका टाइम ऐसे वेस्ट कर दिया, क्योंकि वो ऑटो चला रहे हैं उनके लिए एक एक सवारी मैटर करती है। मैंने कहा अंकल सॉरी, तो अंकल बोले कि ईश्वर से केवल एक ही प्रार्थना थी, एक ही शिकायत थी कि कभी बेटी नहीं दी, अब वो नहीं है। तो ये सॉरी कोई बाप को नहीं बोलता है। पापा यहाँ हम खड़े हैं तो उसे पूछो क्यों खड़े हो, क्या करने आओ कि वहाँ उसको जाके मिलो, उसको क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम हमारे से, क्या उसका चीज साल हो सकता है, उसको साल करो ना, बाप का मतलब यही होता है। कोबा वी वर नॉट सपोज्ड टू क्राई इन दिस पॉडकास्ट, ओ गॉड। एक कमी थी वो भी भगवान ने पूरा कर दिया। अभी लड़का देखा मैसेज बोलता है रितिका कौन है, हम बोला हमारी लड़की है। बोलता है रितिका सोनी, हम बोला तो क्या हुआ, आदमी अपने घर जाता है तो उसका सरनेम बदली हो जाता है। इस चीज को क्या बोला भैया आप बहुत, मुझे जब रितिका ने कहानी बताई भी थी आप दोनों की, तो उसने एक लाइन मेरे को बोली थी कि आप विश्वास रखते हो कि हर इंसान में एक फरिश्ता होता है जी। और वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कब वो अपने वो फरिश्ते को बाहर निकालता है, और आप रितिका के लाइफ में लिटरली एक फरिश्ता बन गया है जब उसको जरूरत की कृपा है। कैंसर की दवा के टाइम इतना हम परेशान थे कि केमो नहीं दिला पा रहे थे, वहाँ भी एक महाराष्ट्रीय अंकल दोनों मियाँ भी मिल गए, हम गए थे पर्चा लेने, मेरी वाइफ से बात की बेटा क्या हुआ ऐसा ऐसा है, केमो नहीं लिए, बोले नहीं कुछ दिक्कत था। उन्होंने कहा पैसा डाल दें आपके खाते, पैसा दे दें, उन्होंने कहा कि हम बिना मरना मंजूर करते हैं लेकिन बिना अपने आदमी से पूछे कोई चीज़ आपसे नहीं ले सकते। फिर हम आए तो अंकल आंटी चले गए दूसरी जगह, हमको उन्होंने कहने लगी इशारा करके आँख से, वो बैठे हैं और पैसा देने को बोल रहे हैं क्या करें। हम बोला परेशान तो हम हैं लेकिन पैसा लेंगे तो इधर उधर घूम जाएगा, तो अपने हॉस्पिटल के कार्ड में बोलो डालने के लिए, तो बेचारे हमारे खाते में 20,000 रुपये डाल दिए। तो ये हमारे आप जानते नहीं थे, ये भगवान की प्रेरणा, हम किसी को नहीं जानते थे बेटा, लेकिन भगवान की प्रेरणा थी, भगवान उनको भगवान अपने रूप में भेज दिए, हमारा हेल्प हो गया। हमें बहुत ऐसा धन मिल चुका है, एक हमारा दोस्त वीडियोग्राफिक वाला, उसने हमको 5,000 दे दिया जबकि 5,000 का धंधा उसका रोज का नहीं है। यही एक इंसान का जीवन एक ऐसा जीवन है जो आदमी पीछे का नहीं समझ सकता मैं क्या था, लेकिन ये जीवन नष्ट होने के बाद आपको ये मालूम हो जरूर रहेगा कि हमने मनुष्य का जीवन पा करके ऐसा क्यों किया कि इस जीवन में आ गया, ये हमने देखा है बाकायदे गीता में। आपको मैं ऐसे बैठ के सुन सकती हूँ पूरा दिन। और हमारी कहानी अगर लिखेंगे कभी आप तो एक दिन का समय देना ही पड़ेगा, हम अगर अच्छी तरह से सब मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आप दोनों यहाँ पे आए अपना वक्त निकाल के, मुझे पता है कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है वो वक्त, और आप उस कीमती वक्त को आपने हमें दिया। आप समझिए हम गोरेगांव से खाली भागा हूँ, कोई समय हो गया अभी आगे फोन करेगी तो हम अगर कहीं गोरेगांव निकल रहा हूँ तो 20 मिनट को लेट होगा, तो मेरे वजह से लेट नहीं होना चाहिए। कहानी की शुरुआत करी थी ये बोलकर कि इन्हें ना करना नहीं आता,
या तो आपकी जिंदगी में रितिका और भोला भैया आ जाए, और अगर नहीं आए तो किसी की रितिका और भोला भैया बन जाओ. आई थिंक दैट्स व्हाट आई टेक अवे फ्रॉम हियर. और भोला भैया आपके लिए बहुत ही छोटी सी चीज है. थैंक यू रितिका मुझे कहानी बताने के लिए, और थैंक यू यहाँ आने के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू वो फरिश्ता मिलने. Guys, it's time for my favorite segment of the show, which is called Make Someone's Day. और इस segment में कुछ बहुत special होने वाला है. जो पिछले segment रितिका आई थी, she runs an NGO called Stories of Slum. और आज उसके सारे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं हमारे साथ. मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी है. बच्चा पार्टी इज योर. आप लोगों को मैजिक पसंद है? आपको मैजिक करना आता है? नो. पर इन्होंने तो मुझे बोला कि आप आके मुझे मैजिक दिखाने वाले हो. ओ, तुम लोगों को नहीं आता? आता है. आ जाओ, आ जाओ, आगे आगे आगे. क्या मैजिक आता है? किधर गया ये मैजिक था? हाँ मुझे दिखा. क्या मैजिक आता है? इधर इधर क्या चाहिए? क्या चाहिए? पेपर चाहिए? ये पेपर, ये लो पेपर. सलमान खान. ओह माय गॉड, क्या होने वाला है? या ओए डूड, डिड यू सी इट? डिड यू सी इट? या दैट वाज एक्चुअली कूल. How are you going there? कैसे कर रही है? तो धारा कब को मैं? I don't know किसी की तरह. And that's it for today. Wow यार, high five. बड़ी high five. बहुत ही. Wow. अब और कौन magic करने वाला है मेरे लिए? इले. 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 Boss है अपना. Gopal, your energy. Boss energy in the room. और कोई magic करेगा यहाँ पे? और कोई magic करेगा? किसको मैजिक करना है? ऐसे ही बोला? मैं सिखाऊं? सिखा के कौन करेगा? पक्का करेगा? तू तो कर चुका है, तू तो चैंप है यार. टीचर? स्कूल तो गए नहीं भाई, स्टूडेंट नहीं बना, टीचर बन गया. ताली दे, ताली दे. हाई फाइव. बढ़िया, ओके ग्रेट. चलो कौन आ रहा है? तुम दोनों में से कोई भी एक आ जाओ यहाँ. अभी आपको और इनका नाम पता है आपको? टेपे टेल दीदी. हाँ, क्या नाम है? टेप पटेल दीदी. टेप पटेल. क्या है? टेप पटेल. हाँ, टेप पटेल दीदी. पटेल सर. क्या नाम है इनका? टेप पटेल दीदी. परफेक्ट. क्या नाम है इनका? टेप पटेल दीदी. I love it. Love it. Okay, टेप पटेल दीदी. और आपका नाम क्या है? भूल गया. क्या लाइक कर रहा है? मुझे तो एक ही नाम पता है, टेप पटेल दीदी. नाम भूल गया. सार्थक. तो सार्थक और टेप पटेल दीदी के साथ हम कुछ करने वाले हैं. तो मैं जो कर रही हूँ वो आपको करना है. हमको okay. एक टोस्ट रेस करेंगे. ओके okay. ठीक है. ऐसा हाथ आगे करो, ये आपके लिए पकड़ के रखो, गिराना मत. हाथ आगे करो, आपके लिए मेरे लिए टोस्ट रेस करिए. ओके okay. टोस्ट रेस में हम क्या पीते हैं? पानी. पानी. ओके वेरी गुड. गिराना मत. टाइट पकड़, गिराना मत. पकड़े रहना, गिराना मत, छोड़ना नहीं. गिराना मत, पकड़े रहना, छोड़ना नहीं. सार्थक बहुत प्रेशर है तेरे पे. दिस इज मी. ओह गिराना. ओके ग्रेट. ओके अब हम करेंगे मैजिक विद द टोस्ट. ओके विद विद द पानी. ओके ग्रेट. जो मैं कर रही हूँ वो करना है. ठीक है, सबसे पहले तो हम करेंगे आबरा कडाबरा. अब हम बोलेंगे, मैं पहले बोलूंगी, फिर आप दोनों अपनी आंखें बंद करके बोलोगे. मैं सुहानी अभी इस पानी को गायब कर दूंगी. अब आप दोनों की बारी है. आंखें बंद. 1 2 3.
मैं सार्थक, मैं टे पटेल दीदी, मैं टे पटेल दीदी ये पानी को गायब कर दूंगी, ये पानी को गायब कर दूंगी। ग्रेट, अब आके खोल दो। अब ये पानी हो गया गायब। व्हाट? हाँ, तो आप ये ग्लास लोगे? देखो देखो मुझे देखो, और ऐसे उल्टा कर। हाँ, डू इट, फेथ, कम ऑन पीपल, यू कैन डू इट। सच्ची? अभी लोगे क्या करोगे? अभी लोगे क्या करोगे? कर दे, कर दे। तू इधर आ, पहले तू इधर आ, तू इधर आ। मैं कहाँ पी? तू चीटिंग मत कर। टीचर, वॉलंटियर, दीज गाइज डोंट ट्रस्ट मी। टीचर है, मिस टीचर। यू रेडी? या टीचर, आई आई। No water inside bodies. पानी कहाँ गया? क्या यार सार्थक, तू उल्टा ही नहीं किया है, तू भरोसा नहीं ना मेरे पे? तुमने पानी पी लिया था। मैं गायब किया था। पानी पी लिया। मैं गायब किया पानी? तुम सबके मेरे पास कुछ है क्या? क्या चाहिए तुम लोगों को? मेरे को चॉकलेट। चॉकलेट? अभी तो चॉकलेट बोला था ना पहले, चीटिंग मत कर तू। अभी मेरे को टॉय चाहिए। नहीं, चॉकलेट बोला तू। चॉकलेट? टॉयज नहीं है मेरे पास। चल टॉयज भी दे देंगे तेरे को, ठीक है? टॉयज और चॉकलेट कहाँ पर है? पर स्मार्ट बच्चे जिसने जो लिया वो उसका। थैंक यू, शी गिव मी अ चॉकलेट। We made that their day and she made my day. Well guys, this was a lot of fun, Gopal. Thank you for getting them. सब सुहानी दीदी को क्या बोलेंगे अभी? चॉकलेट्स के लिए और मैजिक के लिए? ये ले लो। सब क्या बोलेंगे सुहानी दीदी को? Thank you. Thank you. इनको बोलो ना यार, ये लेकर आए। Thank you. Drop hearts in the comment section. Selfie ले, selfie. चलो. Phone, phone, phone. Selfie, selfie. Phone पेश किया जाए. Oh.